पाजी, हाँ पिछले 3 घंटे से हम यहीं पर इसी सोफे पर एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। उठे तू, इत्थे आ जा, मैं उत्थे आ जाना। पाजी ऐसा क्यों? भाई बाबूजी ने आख्या सी वो जिंदगी में थोड़ा थोड़ा बदलाव होना चाहिए। पर पाजी अब जगह बदलते वक्त ना मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आ गया है। ओए पूछ कंफ्यूजन। पाजी मेरा कंफ्यूजन ये है कि दूल्हा दूल्हा जो है हमेशा दुल्हन को लेने के लिए घोड़े पर ही बैठकर क्यों जाता है, गधे पर क्यों नहीं? ओए वाह, वो बड़ा गधे और घोड़े वाला कंफ्यूजन लेकर आया है। पाजी बताओ ना। ओए शादी के बाद ना आदमी को कोड़े की तरह जीना पड़ता है। वो क्यों पाजी? वो तेरे को पता है वो कोड़ा बहुत कम सोता है, वो थोड़े से चने खाकर ना वो पूरा दिन काम करता है। वो आदमी भी शादी के बाद वो घोड़े की तरह हो जाता है, इसलिए आदमी कोड़े पर बैठकर शादी करने जाता है। और वो गधे पर बैठकर क्यों नहीं जाता? वो खोतिया अगर गधे पर बैठकर जाएगा तो दुल्हन को पहचानने में मुश्किल होगी ना। मतलब दूल्हा अगर गधे पर बैठता है तो दुल्हन को पहचान नहीं पाता है? ओए नहीं ओए, वो दुल्हन कैसे पहचानेगी कि दूल्हा कौन है, ऊपर वाला या नीचे वाला। वाह पाजी वाह।